अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह के इस टाइम 11:30 बज रहे हैं और आज है 5 दिसंबर 2021 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा खानेवाल एक्सप्रेस वे पे। मेतला चौक वाला फ्लाईओवर जो है वो क्रॉस करने लगे हैं। अभी हम कुतुबपुर की तरफ हमारे जो सफ़र है वो रवा दवा है। अभी कुछ ही देर में आपको कॉर्ड लाइन के एक स्टेशन कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर लेकर चलूँगा और वहाँ पर आज हम रेल फैनिंग करेंगे और आपको स्टेशन भी विजिट कराऊँगा। तो अभी कार राइड इंजॉय कीजिए। कुतुबपुर के आउटर में 5 अप ग्रीन लाइन मिल गई है, हमें अप्रोच कर रही है, कुतुबपुर स्टेशन क्रॉस कर रही है। सॉरी दोस्तों, ये ग्रीन लाइन नहीं, ये सर सैयद एक्सप्रेस थी जो कि आज तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लेट चल रही है। कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और आपको सामने आवाज़ आ रही है GMU-30 की, एक फ्रेट ट्रेन के साथ लूप लाइन पे लगा हुआ है कुतुबपुर स्टेशन की। अभी 5 अप ग्रीन लाइन का ओवरटेक अरेंज हुआ है इसके साथ क्रॉस, जो 5 अप ग्रीन लाइन ने करना है चूँकि ये एक सिंगल लाइन है। अभी लोधरा से निकल पड़ी है, उसका मैं कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रीन लाइन का एक्शन दिखा देते हैं, उसके बाद आपको स्टेशन का विज़िट कराते हैं। दोस्तों GMU-30-4734 हॉल कर रहा है फ्रेट ट्रेन को। अभी यहाँ से आ रही है 5 अप ग्रीन लाइन, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। सिग्नल तो डाउन हो चुका है मेन लाइन का, तो अभी आपको ग्रीन लाइन का एक्शन दिखाते हैं। दोस्तों कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। बड़ी खूबसूरत सुबह देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये बड़ा ही प्यारा साइन बोर्ड आप देख सकते हैं कुतुबपुर स्टेशन का, और इस कॉर्ड लाइन पे जितने भी स्टेशन हैं आपको सारे स्टेशन पे इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। GMU-30 और फिरोज मलिक वेट कर रहे हैं 5 अप ग्रीन लाइन का, तो देखते हैं वो कब पहुंचती है। दोस्तों आपको GMU-30 अमेरिकन लोकोमोटिव की आइडियल साउंड सुनाता हूँ। बारह बज के 20 मिनट हो रहे हैं और अपने मुकर्रा वक्त से 2.5 घंटे लेट 5 अप ग्रीन लाइन अप्रोच कर रही है और एक फ्रेट ट्रेन को यहाँ पे क्रॉस करेगी कुतुबपुर रेलवे स्टेशन पे।
दोस्तों फ्रेट ट्रेन GMU 30 47 34 के साथ भी निकल रही कुतुबपुर यार्ड से। दोस्तों ये तो आपने म्यूज़िक के साथ स्टेशन का ओवरव्यू देखा, लेकिन अब मैं आपको म्यूज़िक के बिना इसका ओवरव्यू दिखाने लगा हूँ। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये रेलवे स्टेशन आबादी से दूर वीराने में है, जहाँ पर सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और हवाओं की आवाज़ों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। और यही आवाज़ें जो होती हैं वो दिमाग को बहुत सुकून बख्शती हैं। तो आइए हम बिना वॉइस के ये आवाज़ भी सुनते हैं। प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत से सजाया हुआ है। काफ़ी पौधे वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा पेश कर रहा है। काफ़ी विंटेज बिल्डिंग है, इस पर कोई काम वगैरह नहीं हुआ लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही है। और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म पर पौधे हैं वो आपको जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन पर भी मैंने दिखाए थे। दोस्तों बत्ती गोदाम, एक अदद और तेल स्टोर भी मौजूद है हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी, और टेम्परेरी तौर पर जो है वो इसको लॉक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेलवे लॉज देख सकते हैं आप, और वो आगे इंतज़ार का दर्जा अव्वल मुसाफिरों के लिए बनाई गई है, जैसा कि हर स्टेशन के ऊपर आप देखते हैं। काफ़ी खस्ता हालत में है ये भी। दरख्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वो आप देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस का एक अबंडेंट सा छोटा सा ऑफिस भी मौजूद है, और ये स्टेशन का टावर लगा हुआ है। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अप साइड की तरफ। पहले मैं मौजूद था डाउन साइड एंड पे, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अप साइड एंड पे, खाने वाल की तरफ। तो चलिए उस एंड पे भी चल के देखते हैं। काफ़ी स्लीपर्स भी नज़र आ रहे हैं आपको पड़े हुए ख़राब, जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आसपास कोई आबादी नहीं है इसके, आप जो देख सकते हैं कि आसपास खेत हैं सारे, कोई आबादी नहीं है। ये बिल्कुल हट के बनाया गया है स्टेशन आबादी से। ये मैं आपको ले आया हूँ इस वक्त अप एंड की तरफ, कुतुबपुर रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों आप इसका जो इंटीरियर है वो देख सकते हैं स्टेशन का। ये चार बेंच लगे हुए हैं बड़े विंटेज टाइप, और ये बिल्डिंग है, और ये आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है। जो इसका जो टिकट घर है, विंडो है, वो तो बंद है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन्स का स्टॉप नहीं होता। गाड़ियों के कागज भी नहीं लिखे हुए, और ये जो किराया नामा वाला बोर्ड है ये भी आपको खाली नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है अंदर स्टेशन की वो ये है। और आपने नोट किया होगा ये सेम डिज़ाइन है कॉर्ड लाइन के स्टेशंस का, जहानिया, जंगल मड़ियाला, कुतुबपुर, ये जहाँ भी मैं गया हूँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल सेम इसका जो इंटीरियर है सारा कुछ है वो देखने को मिला है।
बहुत ही खूबसूरत फसलें, ग्रीनरी, दरख्तों में घिरा हुआ ये स्टेशन है। बड़े ही खूबसूरत आपको ये देखने को मिल रही है जगह, और इन फसलों के दरमियान में आपको कुतुबपुर स्टेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, वाकई मज़ा आ गया। दोस्तों आज मैंने आपको कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो रेल फैनिंग दिखाई है, ट्रेन एक्शंस दिखाए हैं और आपको स्टेशन दिखाया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपसे मुलाकात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।